लो भाई ये देख लो जी, होली के बाद के गुब्बारे। ये कौन से गुब्बारे हैं नन्ना? मोमोज की चटनी के पन्ने। होली पे बच्चों ने भाई साहब गुब्बारे की जगह कौन से गुब्बारे फोड़े हैं बता दे जरा। मोमोज की चटनी के पन्ने। है मन्ने कौन से गुब्बारे हैं बता? जो मोमोज की चटनी में डलते हैं ना, वो मोमोज की चटनी में डलते हैं या मोमोज की चटनी जिसमें डलती है वो है वो। आजा तो ये हमारे गांव शहर के बच्चों ने क्या किया, गुब्बारे की पहले गुब्बारे फोड़े थे सारे, जब गुब्बारे खत्म हो गए तो फिर क्या करा? चटनी के पहले गुब्बारे फोड़े भाई बच्चों ने। नमस्ते तो ठीक है, ये फटाफट आ जिन्हू बता दो ये जो गुब्बारे खत्म हो गए चटनी आप कॉन्सेप्ट करते ले तुम ये बताओ। अजय नहीं लिया कौन है ये तरीका, ये जुगाड़ कौन लिया था पकड़ के? यू अपने इस यहाँ के बच्चे लाए हैं। कहाँ के बच्चे? सफीदों के बच्चे। अब मेरी वीडियो क्या रखेगा? ये भाई मैं दिखा दूँ, ये चन ये देखो ये पन्नी है जो समोसे की चटनी वाली मोमोज की चटनी वाली पन्नी आया है और भाई पूरी गली में ये गजब कर दिया बालकन है। और जो सवेरे गुब्बारे फोड़े बच्चों ने सारी गली के, और पहले गुब्बारे फोड़ दिए, गुब्बारे के बाद जब भाई गुब्बारे खत्म हो गए तो पता नहीं उनके शैतानी दिमाग में क्या आया, तो ये देखो फिर वो चटनी वाली पन्नियाँ ले आए जी, जो समोसे की चटनी डलती है और मोमोज की चटनी डलती है वो पन्नियाँ ले आए सारे शैतान बच्चे और पूरा एक दूसरे पर उन्होंने फोड़े पूरा दिन। तो जब मैं शाम के वक्त शहर में गया हूँ तो वहाँ भी तकरीबन यही हाल था, पूरे शहर में पन्नियाँ ऐसे ही थी। तो आजकल के बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी गजब हैं, हमारे सफीदों के तो हैं ही, आपके शहर के आपके गांव के भी ऐसे ही हैं तो ज़रूर बताना हमें।